तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आप आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना जब लड़ने के लिए निकलता है, अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं। राकेश जी, एक अजीब बात है, अब हमारे किसान धान उगाए, खरीदो बोले तो ये उल्टा पलटा बोलते हैं, बड़ा चमत्कार। इन्होंने कहा जी क्रॉप बदल दो, हमने किसानों को कहा भाई क्रॉप बदल दो। क्रॉप बदलाव की बात हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, सारे एमएलए कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे, गांव गांव में हमारे सरपंच भी कह रहे थे भैया क्रॉप बदलना चाहिए। लेकिन इन्हीं के दो आदमी, एक आदमी है केंद्र कैबिनेट में मंत्री किशन रेड्डी जी, दूसरे इनके पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना राज्य के, कह रहे थे कि धान उगाओ, धान उगाओ, हम खरीदेंगे। उनको उचका के बहका के धान उगाने पर कह रहे थे कि उगाओ, हम खरीदेंगे, मुख्यमंत्री की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। है टीवी आपके पास? कहाँ है टीवी? चावल को, पैडी को केंद्र सरकार के द्वारा खरीदने का सिलसिला चलता है। मैं कल यही बताया, जो एग्जिस्टिंग जो क्रॉप है, जितने भी वो वाइल्ड रेस हो, ला रेस हो, केंद्र सरकार पूरा पूरा भारत सरकार कभी भी खरीदने वाले है। ఒకటి ఉంది రెండు ఉన్నాయి ప్రతి గింజ కొట్ట అని చెప్పి అరుణ్ కిషన్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్పాను, పండించిన ప్రతి గింజ కొనే బాధ్యత మాది, నేను మాటలు ఇస్తున్నాను, ముఖ్యమంత్రి మాటలన్నీ మోసపోకండి అని చెప్పి సీఎగా వాళ్ళు చెప్పినారు, దానికి కట్టుబడినా ఇలా దీనికి అనుగుణంగా మా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గారు పార్లమెంట్ లో పదవి వేశారు, దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి। सुना टिकाय जी, ये किशन रेड्डी साहब का टीवी का बयान है जो हमने अभी प्रदर्शित किया। वो तो कह रहे थे एक एक दाना 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 हर दाना खरीदेंगे, अब किधर गायब है, लापता है, गजब की बात है। सारे तेलंगाना के जनप्रतिनिधि आए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने, भाजपा का षड्यंत्र देखो, हैदराबाद में वो धरना कर रहे, कितने गंदी बात है। क्यों कर रहे हो भाई, किस लिए धरना कर रहे हो, शर्म करो अपने आप पे, कम से कम शर्म तो होना चाहिए। इतना बेशर्म भाजपा, इतना बेशर्म क्यों धरना कर रहा है, बीजेपी किस वास्ते धरना कर रहा है? मैं आज बताता हूं, हम इतना कमजोर नहीं है, तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में डकाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे, बचा लेंगे हमारे किसानों को। लेकिन सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार कहां कहां क्या क्या चल रहा है, किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है। आपने सही कहा जी, बिल्कुल, आज का जो सरकार है षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी दान
खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं के मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठा है। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। यह षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाजब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संविधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। हम सारे लोग, राकेश टिकैत जी, हम सारे लोग आपके साथ होंगे। जल्द से जल्द जो जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी। हमने बहुत देखा जी, बहुत बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए, ये क्या बात है? क्या ये हजार साल रूल करने के लिए तोड़ी आए? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? किनकी कहो? मंत्रियों से कहते हैं कोई काम दाम नहीं है क्या? मंत्री क्यों आए? हफ्तों पर इनके दफ्तर में गए, वहां मंत्री लोगों को बिठा के तीन तीन घंटा देर करके आते हैं ताकि ये चला जाए, उल्टा बदनाम उन पे लग जाए। ये इनका नीति है। सारे हमारे सांसद गए, सांसद के साथ भी यही व्यवहार। क्या ये चलेगा? ये नीति है केंद्र सरकार चलाने का, गंभीरता है, ये बात नहीं चलेगी। यही नहीं जी, कई अन्य बातें हैं जो हमारे दिल में है, सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी, ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी। जो आप कर रहे हैं, इस सरकार का सीधी नीति है। मैं इस सारे हिंदुस्तान के किसानों भाइयों से भी कहता हूं, सरकार का नीति साफ है, ये पूरा किसान खेती कारपोरेटों के वश करना चाहता है। कारपोरेटों को देके किसान जमीन छोड़ दे और अपने ही जमान में किसान नौकरी बन के काम करे, नौकर बन के काम करे, ये इनका नीति है। ये कहते हैं मीटर लगा दो, अभी आपने डिमांड किया किसानों को मुफ्त में मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये हाल हो रहा जी, सरकार चुना, मोदी साहब ने बड़ी अच्छा तोहफा दिया वहां पे। तोहफा इतना है कि एक के जगह अगर दो पशु खरीदेंगे वो कमर्शियल हो जाएंगे। मीटर लगाओ, खून चूसो, ये है तरीका देश चलाने का, किसानों के साथ खिलवाड़ करने का, ये नहीं चलेंगे। इसके अलावा भी जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उसका अपमान करना, उसका विरोध करना, जो विपक्षी नेता विपक्षी दल होते हैं उनके पीछे सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ। इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है, देखिए इनके पार्टी के अंदर सारे के सारे सच्चा हरिश्चंद्र है या उनके भाई है, एक भी नेता खराब नहीं है जी। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना कुछ जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी, हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ दमे तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा? आ जाओ दमे तो आ जाओ। हर किसी को इनके छोटे मोटे कुत्ते राज्यों में भौंकने लगते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे।
हर राज्य में हर किसी के साथ। मैं साफ कहता हूं, देश आपको समझ चुका है, आपका जनतंत्र का राज्य नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश समझ गया है, अब देश चुप बैठने वाला नहीं है। तेलंगाना में हमने काफी कुछ कर लिया, भारत देश के लिए अभी काफी काम करना है। हम निकल पड़े हैं, हम इतना बाद में लास्ट में बोलो ना भाई, इधर हम बोल रहे हैं उधर आप बोल रहे हो तो क्या चीज समझ। अरे अरे बैठ जाओ, खड़ी धूप है, हम सबको जाना है, सक्षम जाना है, दान नहीं कर देंगे तेलंगाना में। किसान देख रहे हैं आपके तरफ,